ठीक है। हाँ सर, एक मिनट। सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा यही सब्जेक्ट है, इसी पर रंगोली छात्रों ने यहाँ जो रंगोली का आयोजन किया है काफ़ी अच्छा है। थीम भी लड़कों का बहुत ही अच्छा है और इस तरह का होना चाहिए ताकि देखिए लड़के जो है जो कल के दिन जितने लोग अधिकतर लड़के और जो लाइफ जो है यहाँ पर लाखों में ये सड़क दुर्घटना में ख़त्म होता है, तो उसके लिए हम लोग को समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए। ये भी एक माध्यम है जागरूकता पैदा करने का, इसलिए हम जितने हमारे छात्र हैं इसमें जो लोग टीम के आयोजक इसमें हैं रंजीत जी हैं और इसके साथ दो तीन टीचर हैं, हमने कहा कि लोग अपना सबका ये करेंगे उसके थीम के आधार पर और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन को प्राइज दिया, तीन या चार को रखिए आप, चार को प्राइज दिया जाएगा। और इस तरह का जो है मैंने बहुत ही ये अच्छा प्रयास है महाविद्यालय के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा भी जो किया गया है बहुत अच्छा पहल है। हम चाहते हैं कि इस तरह का जो है रंगोली और दूसरे दूसरे आस्पेक्ट में भी आयोजित किया जाए और इस तरह से एक जागरूकता का एक माहौल पैदा किया जाए। जैसा कि साप्ताहिक 30वां सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के रूप में मनाया जा रहा है पूरे ज़िले में और आज साहेबगंज महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सिकंदर प्रसाद यादव के नेतृत्व में आज हम लोग रंगोली पेंटिंग और सड़क सुरक्षा को लेकर के लोगों को अवेयर करने के लिए हमारे NSS NCC के बच्चे सड़क पर भी लोगों को हेलमेट बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, उनको माला पहनाकर गांधीगिरी कराकर उनको एक जागरूक कराया गया। चूँकि एक बच्चा अगर कोई युवा एक युवा मरता है तो उसका पूरा परिवार आहत होता है। निश्चित रूप से आज जिस तरह से दुर्घटना बढ़ रही है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है शराब को पीकर चलाना बिना बेल्ट का बिना हेलमेट का, इसके बाद हेडफोन आज सबसे बड़ा जो है कि हेडफोन और अभी जो सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण, जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि आप प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना करें, लेकिन हमारे शहर में ऐसा हो रहा है तो हम जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे इस तरह से चिन्हित करके ऐसे लोगों को दंडित किया जाए ताकि हमारा साहेबगंज स्वच्छ साहेबगंज हो, सुरक्षित साहेबगंज हो और ग्रीन साहेबगंज हो। में बनाया है थीम में मेरा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इस पर आधारित। जैसा कि आज संपूर्ण भारत में आज लोग सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं और लोग प्रायः सड़कों पर हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल या वाहन चलाते हैं जो कि अत्यंत ही हानिकारक है। यदि किसी चूक के वजह से किसी की दुर्घटना हो जाती है तो इससे पूरा परिवार मातम छा जाता है, जिसके वजह से समाज के लिए मानवता के नाते यह अच्छा नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सड़क में चलते वक्त हमेशा सुरक्षा अपनाएँ और अपने जीवन को बचाएँ। धन्यवाद।